The flower is the sex organ of the flowering plant, involved in sexual reproduction. और एक modification है, किसका modification है? It is modified reproductive shoot. Petals का काम है सुंदर दिखना और सुंदर लोगों से चीजें attract होंगी, है ना? सुंदर flower से pollinating agents attract होंगे, तो मधुमक्खियां आकर के flower से चिपकेंगी और क्या करेंगी? Pollination. अगर तुमने flower को bisexual बोल दिया है, तो समझ जाना, bi means एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होगा, बाकी सारे वॉल्स जो हैं, जैसे एंड्रोशियम आ गया, कैलिक्स आ गया, कोरोला आ गया, वो नीचे हैं और गाइनोशियम ओवरी ऊपर है, ये दर्शा रहा है इस सिंबल से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज विद यशिका मैम, और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ द सेम चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज डिस्कस करेंगे बच्चों फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, की फ्लावर क्या होता है और दिखता कैसा है मॉर्फोलॉजिकली। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर है क्या बच्चों? फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। क्या है ये? इट इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अगर मैं इसको फ्लावरिंग प्लांट क्या है बच्चों? एंजियोस्पर्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, दैट मींस ये एक ऑर्गेनिज्म का सेक्स ऑर्गन है। और अगर मैं इसको सेक्स ऑर्गन कह रही हूं, दैट मींस ये किसमें इन्वॉल्व है? दिस इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें इन्वॉल्व है? This is involved in sexual reproduction. Sexual reproduction. ठीक है? And one more thing बच्चों, कि हम बड़े मजे में sex, और ये है क्या? ये तो flower है ना, but हम बड़े मजे में एक दूसरे को flower gift करते हैं। तो यार आप science के बच्चे हो, है ना? तो अगली बार flower gift करने से पहले, क्योंकि plant बोल नहीं सकता ना हमारे जैसे, है ना? तो अगली बार किसी को flower gift करने से पहले जरूर सोचना मैम ने इसके बारे में बताया क्या था, कि ये plant का sex organ है, है ना? तो थोड़ा सा रहम खाना है। यस, सो यस, द फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये एक मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? इट इज मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट, आप 12th क्लास में पढ़ोगे बच्चों कि एक प्लांट में फ्लावर दिखने से पहले प्लांट अपने अंदर बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस लाता है, और हॉर्मोनल चेंजेस के बाद एक शूट मेरिस्टेम, कौन सा मेरिस्टेम बच्चों? शूट मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट होता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में। और फिर ये फ्लोरल मेरिस्टेम क्या बनाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम बनाता है फ्लोरल बड, और यही फ्लोरल बड आपको क्या बन जाएगा बाद में जाकर के? फ्लावर। ये सीक्वेंस लिखा हुआ है क्लास 12 की एनसीईआरटी में, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ोगे, है ना? इसीलिए हम बोलते हैं कि ये फ्लावर कहां से बना? शूट से बना। दैट इज व्हाई वी से दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। अभी एक पेज भी लेंगे बच्चों, जहां पर हम फ्लावर का पूरा डायग्राम बनाएंगे और इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं? फ्लावर के हम पढ़ेंगे 4 वॉल्स। कौन कौन से? हम लिख रहे हैं बच्चों बाहर से अंदर की तरफ, तो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है कैलिक्स, इससे अंदर प्रेजेंट होता है कोरोला, इससे अंदर प्रेजेंट होता है एंड्रोशियम, और उससे अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज गाइनोशियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अंदर वाला वॉल कौन है, तो दैट इज गाइनोशियम, दैट इज द इनर मोस्ट। और अगर सबसे पूछा जाए बाहर की तरफ कौन है, तो दैट इज कैलिक, दैट इज द आउटर मोस्ट, दैट इज द आउटर मोस्ट। आओ चलो बच्चों एक डायग्राम बना लेते हैं फ्लावर का, तो चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। फ्लावर का जो सारा पार्ट है ना, वो किस पे टिका होता है? वो टिका होता है थैलेमस पर। तो ये हमने बना लिया है थैलेमस। क्या बना लिया है? थैलेमस। और ये फ्लावर की डंडी को, पिछले लेक्चर में बताया था ना क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लावर की डंडी को बोलते हैं पेडिसल, और पेडिसल के ऊपर ये जो फुला हुआ पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं बच्चों? थैलेमस। ठीक है, अब हम बनाते हैं सारे पार्ट्स। जो सबसे इनर मोस्ट है उसको क्या बोलते हैं? ये देखो, ये हमने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये है गाइनोशियम, सबसे इनर मोस्ट वॉल। इससे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है बच्चों, ये क्या है? ये है एंड्रोशियम। ठीक है, हम सिंगल सिंगल यूनिट के बारे में भी बात करेंगे, इनके ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे,
अभी बस आप साथ साथ में डायग्राम बनाते चलो, ठीक है। इसके बाद जो सुंदर खूबसूरत दिखता है वो क्या है, खूबसूरत कलरफुल पेटल्स, खूबसूरत कलरफुल पेटल्स, ठीक है। और भी बना सकते हो। इसके बाद हम बनाएंगे बच्चों, हम बनाएंगे क्या, सेपल्स, ठीक है। कलर लेते हैं ग्रीन, यस, हम बना रहे हैं सेपल्स, ये रहा सेपल्स, ठीक है। सुंदर सा डायग्राम बना दिया कलरफुल। अब हम इसको एक एक करके लेबल करेंगे। सबसे पहली बात, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टिग्मा, ठीक है, जहां पर पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड करते हैं। नेक्स्ट, ये जो इसकी डंडी है इसको बोला जाता है स्टाइल, और इसका जो नीचे गोला वाला पार्ट है फुला हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओवरी, ठीक है। और इन तीनों को मिला करके जो वर्ल बनता है, दैट इज गाइनोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। आप इस चैप्टर में बच्चों प्लोरल फॉर्मूला पढ़ोगे, जैसे आप पढ़ते हो ना फोर्स, तो फोर्स थोड़ी लिखते हो, एफ लिख करके छोड़ देते हो। सिमिलरली जब हम गाइनोशियम बोलते हैं ना, तो अगर हम सिर्फ जी लिख दें तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, गाइनोशियम की, ठीक है, गाइनोशियम की। यहां पर मैंने ये एक ही बना रखा है, तो इसके एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों, इसके एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम का बेसिक यूनिट क्या है, गाइनोशियम का जो बेसिक यूनिट है दैट इज कार्पल, दैट इज व्हाट, कार्पल, या तुम इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पिस्टल भी बोल सकते हो। तो ये जो हमने बनाया ना, ये एक यूनिट है, तो इसकी एक बेसिक यूनिट को हम कार्पल या पिस्टल बोलते हैं, और इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, विच इज जी। और ये कैसा पार्ट होता है बच्चों, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, कैसा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, या तुम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे यार आपको पता है ना, ह्यूमंस में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल स्पेशलाइज होता है मेल गैमिट्स को बनाने के लिए, फीमेल पार्ट फीमेल गैमिट्स को बनाता है। सिमिलरली फ्लावर में ये जो मेल, ये सॉरी, ये जो फीमेल पार्ट है, ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमिट, दैट इज एग, है ना। अब हम बनाते हैं, बताते हैं बच्चों इसके बारे में, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है गोला गोला वाला स्ट्रक्चर एंथर, और ये जो इसकी डंडी है, इस डंडी को हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो आप देखो कितने एंथर, यहां पर भी एंथर फिलामेंट, 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 है ना, चार बना रखे हमने, एक दो तीन चार। तो इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, इसके ग्रुप को हम बोलते हैं द वर्ल, द ग्रुप इज नोन एज एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं बच्चों, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम का सिंबल क्या होता है, एंड्रोशियम का सिंबल होता है ए। जैसे मैंने बोला कि इसकी एक सिंगल यूनिट को हम कार्पल पिस्टल बोलते हैं, तो इन इसको सारे को, इन सारे के ग्रुप को हम एंड्रोशियम बोल रहे हैं। तो एक बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ इसको तुम क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो स्टेमेन, और एक स्टेमेन में तुम्हारा एंथर भी आ गया, फिलामेंट भी आ गया। मतलब अगर मैं सिर्फ एक यूनिट की बात करूं तो उसको क्या बोलूंगी, स्टेमेन। तो यहां पर हम लिखेंगे एंड्रोशियम का बेसिक यूनिट, एंड्रोशियम का बेसिक यूनिट क्या है बच्चों, एंड्रोशियम का बेसिक यूनिट है स्टेमेन। जैसे गाइनोशियम क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, इसी तरीके से ये क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, या आप क्या कह सकते हो, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट मींस ये मेल गैमीट बनाने में इन्वॉल्व होगा। तो आप देखो जब इतने सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो रिप्रोडक्शन में तो हेल्प करेंगे ही ना फ्लावर, ठीक है। इसके बाद ये जो कलरफुल चीज है, ये आपको पता है पेटल है, एक पेटल दो पेटल, है ना, बट इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस वाले वॉल का नाम क्या है, इस वाले, ये तीसरा वॉल है ना, पहला वॉल पढ़ लिया, दिस इज द फर्स्ट वॉल जो हमने अभी पढ़ा आज, ठीक है। ये हमने पढ़ा सेकेंड वॉल के बारे में जो उससे बाहर था, उससे बाहर तीसरा वॉल हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कोरोला, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, यहां पर एक पेटल बनाया, यहां पर दो पेटल बना, दूसरा पेटल आपको दिखाई दे रहा है। तो एक सिंगल को हम क्या बोल रहे हैं, पेटल, इसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कोरोला। दैट मीन्स कोरोला की बेसिक यूनिट क्या है,
कोरोला की जो बेसिक यूनिट है बच्चों, कोरोला की जो बेसिक यूनिट है दैट इज पेटल, ठीक है, दैट इज पेटल। और कोरोला को भी हम सिंबल से डिफाइन कर सकते हैं, कोरोला का सिंबल होता है सी, कोरोला का सिंबल क्या होता है बच्चों, सी। इसके बाद सबसे बाहर की तरफ वॉल देखो कौन सा है, सबसे बाहर की तरफ वॉल है ये, दिस इज दी फोर्थ वॉल, ठीक है, और इसका नाम क्या है, कैलिक्स। सबसे बाहर की तरफ इसका सिंबल होता है के, क्योंकि सी नहीं दे सकते ना, सी तो इसका नाम हमने दे दिया था। अब यहां पर देखो इसकी बेसिक कितने बेसिक यूनिट से बना है, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया, यहाँ पर ये बनाया, ये क्या है, सेपल। तो इसकी बेसिक यूनिट को हम सिर्फ इसकी बात करें तो ये सेपल है, और ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप को हम बोलेंगे कैलिक्स, क्या बोलेंगे, कैलिक्स। तो चलो कैलिक्स की बेसिक यूनिट लिखते हैं बच्चों, कैलिक्स की बेसिक यूनिट क्या है, कैलिक्स की बेसिक यूनिट है सेपल, क्या है बच्चों, सेपल। तो हमने सबका सिंबल पढ़ लिया, हमने यहां पर बाहर से अंदर की तरफ लिखा था, और यहां पर हमने पढ़ा है अंदर से बाहर की तरफ। तो दोनों पोर्शन देख लो, जिस हिसाब से क्वेश्चन आया उस हिसाब से मार्क करोगे। अगर पूछेगा अरेंज करो फ्रॉम द इनर टू आउटर तो ये सीक्वेंस होगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आउटर से इनर की तरफ करो, मैं लिख देती हूं ये कहां है, अरेंजमेंट कैसे है, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर, तो उस हिसाब से मार्क करोगे, ठीक है। दूसरी चीज आप देखो, मैंने यहां पर मेल और फीमेल ही कौन बताया, फीमेल बताया गाइनोशियम को, मेल बताया एंड्रोशियम को, है ना। तो यहां पर कैलिक्स और करोला, कैलिक्स और करोला को साइंटिस्ट लोगों ने कहा है दैट दिस इज स्टराइल एक्सेसरी या नॉन एसेंशियल वॉल, क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल वॉल, वेयर एज जो हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम वाला पार्ट है इसको बोला गया है फर्टाइल, इसको बोला गया है एसेंशियल, और इसको बोला गया है नेसेसरी, नेसेसरी वॉल। तो यार आप इतना तो सोच ही पा रहे होगे बच्चों, आप इतना दिमाग तो लगा ही लिया होगा कि हाँ एंड्रोशियम और गाइनोशियम को नेसेसरी इसलिए कहा है क्योंकि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट इनको नॉन एसेंशियल क्यों कहा, क्या प्लांट को कैलिक्स और करोला की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर बच्चों जरूरत नहीं है तो बना क्यों रहा है, उठा के फेंक दे, सीधी सी बात है ना, अगर काम के नहीं है तो प्लांट उसको प्रोड्यूस क्यों कर रहा है, फ्लावर उसको रख क्यों रहा है, ठीक है बच्चों। अगर हम उसको नॉन एसेंशियल बोल रहे हैं ना, तो ये सिर्फ नॉन एसेंशियल किस लिए बोला जा रहा है, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि गैमीट्स नहीं बना रहे, सिर्फ इस वजह से इनको बोला गया है नॉन एसेंशियल, और क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है इनको बोला गया है एसेंशियल, नेसेसरी या फर्टाइल, ठीक है। तो इनको स्टराइल क्यों बोला गया है, क्योंकि गैमीट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। एक्सेसरी क्यों बोला गया है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, और नॉन एसेंशियल क्यों, वही क्योंकि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट को इनकी जरूरत नहीं है तो हम उसको काट के फेंक दें बच्चों, अगर ये ना हो ना, पेटल्स का काम क्या है, पेटल्स का काम है सुंदर दिखना, और सुंदर लोगों से चीजें अट्रैक्ट होंगी, है ना, सुंदर फ्लावर से पॉलिनेटिंग एजेंट्स अट्रैक्ट होंगे, तो मधुमक्खियां आकर के फ्लावर से चिपकेंगी और क्या करेंगी, पॉलिनेशन, और बच्चों पॉलिनेशन होगा तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये हेल्प तो करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई डू वी से देम अ स्टराइल एक्सेसरी और नॉन एसेंशियल वॉल, ठीक है। अब बच्चों हमने डायग्राम पूरा का पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। थैलेमस पे क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखना, दिस इज द स्वेलन पोर्शन, स्वेलन पोर्शन, स्वेलन पोर्शन अबव पेडिसल, अबव पेडिसल, और पेडिसल क्या होता है, पेडिसल होता है स्टॉक ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की डंडी को हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके बच्चों फ्लावर के टर्मिनोलॉजी समझेंगे और उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स पर आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जो गाइनोशियम है ना, गाइनोशियम के पास एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों ओवरी के अंदर, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा सिर्फ ह्यूमंस के पास नहीं है बच्चों, ऐसा हमें लगता है मैमल्स के पास है, बट यस यू कैन सी ओवर हियर आल्सो। और प्लेसेंटा से लगे होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर,
जिसको हम बोलते क्या है बच्चों, ओव्यूल्स, जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स, जो लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फल में, है ना, ये आगे पढ़ो गया। यस, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों फ्लावर की टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्लावर, ठीक है, तो फ्लावर यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कंप्लीट फ्लावर, है ना, और यहां पर लिखा हुआ है इनकम्प्लीट फ्लावर। ये किस बेसिस पर है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने वर्ड्स प्रेजेंट है। अगर सारे के सारे वर्ड्स प्रेजेंट होंगे, इफ ऑल फोर वर्ड्स प्रेजेंट, ठीक है, ऑल फोर में क्या आ गया बच्चों, गाइनोशियम भी प्रेजेंट हो, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट हो, बच्चों ये जी का मतलब गाइनोशियम है, ये मैं एब्रीडेड वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, फॉर्मूला ही है, ठीक है, कैलिक्स भी प्रेजेंट हो, कैलिक्स का सिंबल सी होता है, सॉरी कैलिक्स का सिंबल के होता है और कोरोला का सिंबल सी होता है, अगर चारों प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर। जैसे हमने यहाँ पर चारों वर्ड्स बनाए, तो ये जो डायग्राम बनाया है ये कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम बनाया है। अगर इसमें कोई भी वर्ड मिसिंग हो, चाहे कैलिक्स हो, चाहे कोरोला, कोई भी गायब हो, तो वो क्या बन जाता है, इनकम्प्लीट। सो इफ एनी ऑफ दी वर्ड इज मिसिंग, एनी ऑफ दी वर्ड इज मिसिंग, वो क्या बन जाता है बच्चों, वो बन जाएगा हमारा इनकम्प्लीट। जैसे कंप्लीट का मैं एग्जाम्पल आपको बता सकती हूँ, गुड़हल, गुड़हल का फूल सबने देखा होगा, चाइना रोज। अगर आप गुड़हल का फूल बच्चों अगर प्रैक्टिकल करते हो स्कूल में, आपने किया है, तो वहां डाइसेक्ट करके सारा पार्ट दिखाया जाता है, तो उसमें चारों के चारों वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मींस गुड़हल इज अ कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। अगर लिली की बात करो तो लिली इनकम्प्लीट है, लिली इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि वहां पर कैलिक्स और कोरोला नहीं होते, डिस्टिंक्ट नहीं होते, तो हम बोलते नहीं होते, तो ऑब्वियसली कैलिक्स और कोरोला वर्ड्स है, नहीं है तो मतलब इनकम्प्लीट है। आगे आने वाले टॉपिक में आपको लिली का फ्लावर दिखाऊंगी, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि क्यों वहां पर क्या चीज नहीं है और वो क्यों इनकम्प्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों फ्लावर की टर्मिनोलॉजी किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये वाली कौन सी बेसिस थी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सारे फ्लावर की ही कैटेगरी है, सारे फ्लावर के ही टर्मिनोलॉजीज है, विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने फ्लावर को यूनिसेक्सुअल लिखा है, यहां पर फ्लावर को बाइसेक्सुअल लिखा है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब क्या होता है बच्चों, वन, यूनि मीन्स वन। तो कब मैं एक फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बोलूंगी, ईदर एंड्रोशियम, ईदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट। बच्चों दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, और का मतलब या होता है, तो या तो एंड्रोशियम हो या तो गाइनोशियम हो। एंड्रोशियम का सिंबल क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो एंड्रोशियम मौजूद हो या तो गाइनोशियम मौजूद हो, ठीक है। अगर एंड्रोशियम मौजूद होगा, इफ एंड्रोशियम प्रेजेंट, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। क्यों? क्योंकि स्टेमेन इसकी बेसिक यूनिट होती है। अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है बच्चों, अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है, सिर्फ इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, तो एंड्रोशियम की बेसिक यूनिट स्टेमेन होती है, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं स्टेमिनेट। और अगर गाइनोशियम है, इफ गाइनोशियम प्रेजेंट, ऐसे फ्लावर को क्या बोला जाता है, पिस्टलेट, क्योंकि पिस्टल इसकी बेसिक यूनिट है। अब स्टेमेन कैसा पार्ट था, मेल पार्ट, तो अगर आपको सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर को डिनोट करना है तो आप सिंबल मेल वाला लगाओगे, और अगर आपको पिस्टलेट फ्लावर को डिनोट करना है, पिस्टल क्या होता है, फीमेल, तो आप इसको ऐसे दिखाओगे। तो यूनिसेक्सुअल का भी सिंबल है, अगर आपको ऐसा कहीं प्लोरल फॉर्मूला दिख रहा है तो समझ जाना वो फ्लावर मेल है, और अगर आपको कहीं ऐसा सिंबल दिख रहा है समझ जाना वो फ्लावर फीमेल है। इस सिंबल का मतलब है सिर्फ एंड्रोशियम मौजूद है, इस सिंबल का मतलब है सिर्फ गाइनोशियम है, दैट मीन्स ये कैसा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है। अच्छा देखो, यूनिसेक्सुअल में
अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर गाइनोशियम गायब है, इसकी बात करूं तो एंड्रोशियम गायब है, यहाँ पर वर्ल्ड मिसिंग हो गया ना, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल इटसेल्फ किसके एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट फ्लावर के, किसके एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट फ्लावर के। अब बात करते हैं बच्चों बाइसेक्सुअल की, बाई स्टैंड फॉर टू, टू ठीक है, दैट मीन्स बोथ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट, यहां पर दोनों मिलेगा एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जैसे कि जो डायग्राम बनाया है इसमें एंड्रोशियम भी है गाइनोशियम भी है, दैट मीन्स ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम बाइसेक्सुअल फ्लावर का है, ठीक है। और यार 11th क्लास में पढ़ा है ना कि मेंडल ने मटर पर काम इसीलिए किया था बिकॉज द फ्लावर वॉज बाइसेक्सुअल, और गुड़हल, गुड़हल क्या है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बच्चों, यहां पर लिख रही हूँ दैट इज क्यूकुम्बर, ठीक है। तो ये हमने फ्लावर पढ़ लिया यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल का सिंबल क्या होगा बच्चों, दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है, अलग अलग फ्लावर की बात नहीं करी, एक ही फ्लावर के अंदर है, तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सिंबल दिखाओगे इस तरीके से। अगर ये फ्लोरल फॉर्मूला दिख रहा है तो समझ जाना उस फ्लावर में मेल पार्ट भी है दैट इज एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट भी है दैट इज गाइनोशियम, यहां पर और नहीं लगा है एंड लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लावर तीन टाइप्स के हो सकते हैं, तीन टर्मिनोलॉजीज दिखाई दे रही है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ये किस बेसिस पर है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब फ्लोरल पार्ट्स, जिसको अभी हमने किससे पढ़ा है, वर्ल्ड्स के नाम से पढ़ा है, ठीक है। तो ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्राई का मतलब होता है तीन, तो अगर सारे के सारे जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, ये फ्लोरल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन मल्टीपल ऑफ थ्री, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर। तो आप लिलियसी में पढ़ोगे फैमिली में आगे कि वो ट्राइमेरस का एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ थ्री। टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार, दैट मीन्स फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ, आर इन मल्टीपल ऑफ फोर, ठीक है। और पेंटा का मतलब क्या होता है बच्चों, पेंटा मीन्स फाइव, तो फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ फाइव। जब आगे फैमिली पढ़ोगे बच्चों तो वहां पर सारा एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर एनसीईआरटी ट्राइमेरस लिखती है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ओके। सो ये हो गया फ्लावर किस बेसिस पर, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस पर। नेक्स्ट है प्लांट्स के बारे में, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको ना यहां पर लेके चलती हूं मैं, जहां पर मैंने यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल समझाया था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोनोशियस में, यूनिसेक्सुअल में, बाइसेक्सुअल में। आप बेसिस अलग अलग कर दो ना, अगर बेसिस अलग अलग कर दोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों, देखो मैं अपना जो बच्चों को पढ़ाती हूँ बच्चों, आई ऑलवेज एक्सप्लेन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर। अगर तुम फ्लावर को डिफाइन करते हो ना, यू शुड डिफाइन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अगर तुमने यूनिसेक्सुअल बोल दिया, जाहिर से बातें समझ में आ गया कि उस फ्लावर में एक ही होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अगर तुमने फ्लावर को बाइसेक्सुअल बोल दिया है तो समझ जाना बाई मीन्स एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होगा। एंड जब आप प्लांट्स डिफाइन करते हो ना बच्चों, प्लांट्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो वी यूज वर्ड मोनोशियस, डायोशियस एंड पॉलीगैमस, एंड पॉलीगैमस। सो व्हाट इज पॉलीगैमस, व्हाट इज पॉलीगैमस एंड व्हाट इज मोनोशियस डायोशियस, सुनो। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। मोनो का मतलब क्या है, एक, तो एक किस रिस्पेक्ट में बोलते हैं, देखो मोनोशियस को हम डिफाइन करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर
प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ठीक है, मतलब एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है और इसी एक प्लांट पर फीमेल फ्लावर भी है और इसी एक प्लांट पर मेल फ्लावर भी है। तो जब दोनों प्रकार के फ्लावर एक ही घर में हो, एक ही प्लांट में हो, तब ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? मोनोसिस। तो यहाँ कंफ्यूजन किस बात की हुई? क्या कौन सी कंफ्यूजन है? व्हाई यू आर कंफ्यूज? वो तो हम यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर के रिस्पेक्ट में बोला था, इसको प्लांट के रिस्पेक्ट में समझो। और आप खुद जब 12th में पढ़ोगे ना तो वहां पर देखोगे बच्चों कि मोनोसिस के अंदर अगर मैं इसको फीमेल बोल रही हूँ और इसको मेल बोल रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको फीमेल बोल रही हूँ दैट मीन्स यहाँ पर गाइनोशियम सिर्फ मौजूद है, और अगर मैं यहाँ पर मेल बोल रही हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एंड्रोशियम मौजूद है। तो ये इटसेल्फ कौन सी कंडीशन है? यूनिसेक्सुअल। तो मैं जब फ्लावर बोलती हूँ तब मैं यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर इस प्रकार के फ्लावर एक ही प्लांट पर है तो वो प्लांट क्या बन गया है? मोनोशियस, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, मोनोशियस उन प्लांट्स को कहते हैं जहां पर मेल और फीमेल एक ही घर में हो, एक ही घर पर हो, एक ही प्लांट पर हो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रब करते हैं यहाँ से। यस, द एग्जाम्पल इज कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स, ठीक है, ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, सॉरी मोनोशियस के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? मोनोशियस के एग्जाम्पल है, और मोनोशियस में बाई डिफॉल्ट कंडीशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाली ही आ रही है, ठीक है। अच्छा, हमारे जोलॉजी में ना बच्चों मोनोशियस को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, विच इज नॉट रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं। सब्जेक्ट अलग होता है, बेसिस अलग हो जाता है। बॉटनी के केस में वी डिफाइन मोनोशियस इस तरीके से, इसको हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल, मैं उसमें नहीं घुस रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी मेरा पार्ट नहीं है बच्चों, बट कंफ्यूज मत होना, बॉटनी का अलग तरीके से, जूलॉजी का अलग तरीके से, एनिमल से केस में अलग तरीके से, प्लांट्स के केस में अलग तरीके से समझना, ठीक है। डायोशियस का मतलब क्या होता है? डाई मीन्स टू, डाई का मतलब टू है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मेल एंड फीमेल है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज। जैसे पपाया, पपीता तो सब खाते हैं, पेड़ भी रखते हैं घर में, ठीक है। तो पपीता के बच्चों दो प्लांट हैं, पपीता स्पीशीज एक है बट उसके प्लांट दो हैं। एक प्लांट पर सिर्फ मेल फ्लावर लगता है, इस प्लांट पर सिर्फ मेल फ्लावर लगेगा, दैट मीन्स ये पपीता का कौन सा प्लांट है? मेल वाला प्लांट है। इस प्लांट पर सिर्फ फीमेल फ्लावर लग रहा है, दैट मीन्स ये पपीता का कौन सा प्लांट है? फीमेल प्लांट है। तो आप देखो मेल और फीमेल अलग अलग घर पर है, ठीक है, मेल अपने घर पर है, फीमेल अपने घर पर है, तो ओवरऑल दो घर हो गया ना, दो प्लांट हो गया। ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? डायोशियस। डायोशियस क्या है? जब मेल और फीमेल दो डिफरेंट प्लांट पर लगे हो, ऐसे प्लांट को डायोशियस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपीता, ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लिखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल है पपाया, ठीक है, एग्जाम्पल है डेट पाम, एग्जाम्पल है डेट पाम, ठीक है, और भी होता है बच्चों, मलबरी होता है, एनसीईआरटी नहीं लिखती है तो अभी नहीं बताएंगे। 12th का एक एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, एक्वेटिक प्लांट होता है, पढ़ लोगे आप 12th में वेलिसनेरिया, ठीक है। तो जब मेल फीमेल अलग अलग घर पर हो तो डायोशियस। तो आप बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पर अगर मैं मेल फ्लावर बोल रही हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एंड्रोशियम मौजूद है, ठीक है, फीमेल फ्लावर बोल रही हूँ तो सिर्फ गाइनोशियम मौजूद है। तो मैं फ्लावर को प्लांट से मिक्स नहीं कर रही, फ्लावर में यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल वर्ड इस्तेमाल करो, प्लांट में मोनोशियस डायोशियस वर्ड इस्तेमाल करो विदाउट एनी डाउट। फिर पॉलीगैमस, पॉलीगैमस में क्या होता है? एक प्लांट है, पॉली मतलब मैनी, तो हर किस्म के फ्लावर जब एक ही प्लांट पर, धर्मशाला नहीं होता, कोई भी आकर रह सकता है, तो धर्मशाला टाइप है। इसमें आपको मेल फ्लावर भी दिखाई देगा एक ही प्लांट के ऊपर,
इस पर फीमेल फ्लावर भी दिखाई देगा, इस पे बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होगा और इस पे स्टराइल फ्लावर, जो गेमीट्स वगैरह नहीं बना रहे जिसको गॉल फ्लावर बोलते हैं, वो भी दिखाई देगा। और इस तरीके का प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या है, मैंगो लीची। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूं, पॉलीगैमस को, पॉलीगैमस को लिखती हूँ मैनी टाइप ऑफ फ्लावर, मैनी टाइप ऑफ फ्लावर, फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। ठीक है, तो ये है प्लांट का, ठीक है, प्लांट के टाइप्स विथ रिस्पेक्ट टू किस तरीके के फ्लावर और किस जगह पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लावर, फ्लावर की सिमेट्री। ठीक है, ये भी एक तरीके का टाइप्स ऑफ फ्लावर ही है। ठीक है, ये भी एक तरीके का टाइप्स ऑफ फ्लावर ही है। और बेसिस यहाँ पर क्या है, बेसिस है फ्लावर की सिमेट्री, बेसिस क्या है फ्लावर की सिमेट्री। तो तीन टाइप्स, आप तीन आपको नाम दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक दिखाई दे रहा है एक्टिनोमॉर्फिक, एक दिखाई दे रहा है जाइगोमॉर्फिक और एक दिखाई दे रहा है एसिमेट्रिक। और ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हो तो आपने ये नाम भी सुन लिया होगा, रेडियल, बाइलेटरल, इरेगुलर, है ना। इसका मतलब क्या है, रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि अगर कोई फ्लावर ऐसा है कि जिसको कहीं से भी कट करो, कहीं से भी कट कर लो, किसी भी प्लेन से कट करो, बस शर्त यह है कि वो प्लेन सेंटर से पास होनी चाहिए, चाहे ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, कहीं मर्जी से भी कट कर लो, यू विल गेट द इक्वल हाफ। ऐसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलेंगे, ऐसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलेंगे और ऐसे सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। तो इसका भी सिंबल होता है लिखने का। ठीक है, सिंबल कैसे लिखोगे एक्टिनोमॉर्फिक का, ऐसे देखो इसको ऐसे रिलेट करना है, जैसे काटो उधर से काटो, सेम सेम मिल रहा है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन, इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है चाइना रोज। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है बच्चों, मस्टर्ड। ठीक है, सो यस, इनके फ्लावर में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है बच्चों, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हम कब बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में कैसी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री कब हम बोलते हैं, तुम्हें दो इक्वल हाफ तो जरूर मिलेंगे, तुम्हें दो इक्वल हाफ तो जरूर मिलेंगे, बट सिर्फ एक ही प्लेन से, चाहे इधर से कट करो, मतलब तुम्हें वो प्लेन देखना पड़ेगा जिधर से तुम कट करो तो तुम्हें इक्वल हाफ मिलेगा। मतलब ये इसकी तरह नहीं है कि किधर से भी मर्जी कट कर लो तुम्हें सेम मिलेगा, है ना। तो हम इसको लिखेंगे कि पहले सिंबल परसेंटेज वाला साइन है कि इस प्लेन से कट कर रहे हैं तो तभी सिर्फ इक्वल हाफ मिल रहा है, ऐसा रिलेट करना। ठीक है, तो टू इक्वल हाफ, टू इक्वल हाफ, बट ओनली थ्रू, ओनली थ्रू वन प्लेन, ओनली थ्रू वन प्लेन। और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, पी, अगर मटर का फ्लावर देखा होगा बच्चों, बीन का फ्लावर, गुलमोहर अगर देखा होगा, दिख जाता है, कॉमन है। ठीक है, पी, बीन, गुलमोहर, कैशिया, इनके फ्लावर में, ठीक है, इनके फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। और इनमें सिमेट्री कैसी होती है, इनमें सिमेट्री बाइलेटरल होती है। कैसी, बाइलेटरल। कब हम किसी फ्लावर को एसिमेट्रिक बोलते हैं, जब उसमें कोई सिमेट्री ना हो। और सिमेट्री कब नहीं होती, जब शेप ही इरेगुलर हो। जैसे अमीबा, अमीबा को शेप है, उसको किसी भी प्लेन से काटो इक्वल मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर नो इक्वल हाफ, नो इक्वल हाफ इन एनी प्लेन, इन एनी प्लेन, फॉर एग्जाम्पल कैना। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ बच्चों, उससे और बेटर हो जाएगा। ये देखो, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, ये जाइगोमॉर्फिक है, ये एसिमेट्रिकल है, इसमें कैसा है, रेडियल सिमेट्री मिलेगा। ठीक है,
इसमें कैसी सिमेट्री मिलेगी? बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, और इसमें कोई सिमेट्री ही नहीं मिलेगा, नो सिमेट्री, बिकॉज फ्लावर का शेप कैसा है? इररेगुलर। ठीक है, तो आप देखो, आप खुद देख सकते हो बच्चों, यहां से अगर मैं इस प्लेन से कट कर रही हूं तो भी इक्वल मिल रहा है, ठीक है, इधर से कट करो तो भी इक्वल, इधर से कट करो तो भी इक्वल, इधर से कट करो तो भी इक्वल, बस सारे के सारे प्लेन देखो मैंने सेंटर से पास कराए हैं, तो सेंटर से पास कराओ, किसी भी प्लेन में कट करो, यू आर गेटिंग अ इक्वल हाफ। तो ऐसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, ऐसे सिमेट्री को रेडियल बोलते हैं। यहाँ पर देखो सिर्फ इसी प्लेन में तुम्हें सेम मिल रहा है, देखो ये भी और ये भी है ना, अगर मैं इधर से कट कर दूं तो देखो इधर तीन ऐसे मिल गए और इधर ऐसा दो ही मिल रहा है, सिमेट्री नहीं है। तो सिर्फ इसी प्लेन में, एक ही प्लेन में जब आपको सिमेट्री मिले तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ज़ाइगोमॉर्फिक, और ऐसे सिमेट्री को हम बाइलेटरल बोलते हैं। यहाँ पर भैया कहीं से भी कट कर लो बच्चों, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि इतना इररेगुलर शेप है। तो दिस इज एसिमेट्रिक, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों फ्लावर्स, बट अब बेसिस क्या है, ठीक है, ये भी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं, मैं ऐसे लिख देती हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो, बट यहाँ पर अब बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी। तो यहाँ पर आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है, एक हाइपोगाइनस फ्लावर, एक पेरीगाइनस फ्लावर और एक एपीगाइनस, और साथ में जो लिखा है ना बच्चों वो उनके सिंबल्स हैं। क्या है? सिंबल्स हैं। कब एक फ्लावर को हाइपोगाइनस बोलते हैं बच्चों? एक फ्लावर को हाइपोगाइनस तब बोलते हैं जब ओवरी क्या होती है, ओवरी सुपीरियर हो। सुपीरियर का मतलब क्या है? इट ऑक्यूपाई टॉप मोस्ट पोजिशन। ऐसे लिख देती हूँ जैसे तुम लोग भूलोगे नहीं, ठीक है। बाकी के जो वर्ल्ड्स हैं, अदर वर्ल्ड्स क्या होंगे? इनफीरियर, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाऊं, ये देखो थैलेमस पे ही सारा पोर्शन होता है टिका हुआ, ये देखो ये थैलेमस है, ठीक है। इस थैलेमस में ये देखो, ये है ओवरी की पोजीशन, ठीक है, ये क्या है? ओवरी की पोजीशन। बाकी जो वर्ल्ड्स हैं कौन कौन से? एंड्रोशियम, ठीक है, ये क्या हो गया? पेटल वाला, कोरोला, और ये क्या हो गया? कैलिक्स, ठीक है, ये क्या है? एंड्रोशियम। ये कौन सा वॉल है बच्चों? ये हमारा कोरोला और ये है कैलिक्स। इन सब की पोजीशन ओवरी से नीचे है, झुक, मतलब ओवरी से नीचे है ना, तो नीचे वालों को हम क्या बोलेंगे यार? नीचे वालों को हम बोलेंगे इंफीरियर। तो इनकी पोजीशन क्या है? इंफीरियर। और यहां पर ओवरी क्या है? ओवरी क्या है? सुपीरियर, ठीक है। ओवरी कौन से वॉल का हिस्सा है? कौन सा वॉल है? जी, इसीलिए ऐसी सुपीरियर ओवरी वाले फ्लावर को, अगर किसी फ्लावर में ओवरी की पोजीशन ऐसे सबसे ऊपर, तो ऐसे ओवरी को सुपीरियर बोलते हैं और ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है जी। जी आपको दिख रहा है, दिस इज जी, और जी के नीचे डैश, ठीक है। ये डैश क्या दिखाता है बच्चों? ये डैश क्या है? ये डैश पोजीशन है, किसकी? पोजीशन ऑफ अदर वर्ल्ड, पोजीशन ऑफ, कलर चेंज करती हूं तो मिक्स हो जाएगा, पोजीशन ऑफ अदर वर्ल्ड। क्या मतलब है इसका? कि बाकी सारे वर्ल्ड जो हैं, जिसमें एंड्रोशियम आ गया, कैलिक्स आ गया, कोरोला आ गया, वो नीचे हैं और गाइनोशियम ओवरी ऊपर है, ये दर्शा रहा है इस सिंबल से, ठीक है। और अगर फ्लावर ऐसा है तो थैलेमस का शेप देखो डोम शेप है, गुंबद की तरह है ना, डोम शेप्ड थैलेमस, डोम शेप्ड थैलेमस, ठीक है, डोम शेप्ड थैलेमस। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल यहां पर लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल, और आगे जब फैमिली पढ़ोगे तो और भी वहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पिटूनिया, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स वहां पर लिखे हुए बच्चों, तो वहां पर और एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे, यहाँ तुमने एनसीईआरटी वाली लिख ली है। नेक्स्ट है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस क्या होता है? देखो पहले बनाते हैं थैलेमस, ठीक है, पहले बनाते हैं थैलेमस। देखो जैसे जैसे फ्लावर चेंज हो रहा है ना बच्चों, जैसे जैसे फ्लावर चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे आप देखना थैलेमस का जो शेप है ना वो भी चेंज होता जा रहा है,
ठीक है, डंडी को हम पेडिसल बोलते हैं। और यहां पर ये थैलेमस कैसा है, ये थैलेमस कप शेप्ड है, दिस इज कप शेप्ड थैलेमस। तो देखो फ्लावर का टाइप चेंज, थैलेमस का शेप चेंज। और यहां पर क्या है, ये है ओवरी, ठीक है, ये है ओवरी। और जो थैलेमस का रिम है, दिस इज रिम, या इसको बोलोगे पेरीफेरी, क्या बोलोगे पेरीफेरी, मतलब जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर सारे वर्ड्स दिखाई देंगे, दैट इज एंड्रोशियम, कैलिक्स, सॉरी कोरोला एंड कैलिक्स। ये क्या है एंड्रोशियम, ये क्या है कोरोला, और ये क्या है कैलिक्स। तो एनसीईआरटी ने पेरिगाइनस को डिफाइन कैसे किया है, दैट ऑल द वर्ल्ड्स एक्सेप्ट, ऐसे लिखना, ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, इस थ्री में कौन आ गया बच्चों, इसमें आ गया एंड्रोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला आर प्रेजेंट एट रिम या पेरीफेरी, पेरीफेरी ऑफ थैलेमस, ऑफ थैलेमस। तो इस डायग्राम से ऐसा लग रहा है बच्चों कि सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो लगभग लगभग सेम लेवल पर हैं, ठीक है, ऑल एट सेम लेवल, ठीक है। तो ऐसे ओवरी को हम बोलते हैं, यहां पर ओवरी क्या है, हाफ इंफीरियर है, ठीक है। अगर हाफ इंफीरियर कह रहे हो दैट मींस हाफ सुपीरियर है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ फ्लावर इज सेड टू बी पेरीगाइनस। और क्योंकि सबका पोजीशन सेम है तो जी के साइड में ही एक डैश लगा हुआ है, मतलब इस डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ अदर वर्ल्ड। तो मतलब बाकियों की पोजीशन गाइनोशियम ओवरी के बराबर ही है, तो इसको बोलते हैं पेरीगाइनस। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे बच्चों, पी फॉर पेरीगाइनस एंड पी फॉर प्लम, पी फॉर पीच, और रोज तो आपने देखा ही होगा, रोज में तो आपको पता ही है, आप रोज देखते हो बच्चों, तो आप देखना देखना सारे जो वर्ल्ड्स हैं वो लगभग लगभग सेम लेवल पर है, तो रोज का ऑटोमेटिकली याद होगा। बाकी पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर प्लम, पी फॉर पीच। एपीगाइनस का मतलब क्या होता है बच्चों, एपीगाइनस में जो ओवरी है वो पूरी तरीके से इंफीरियर होती है, मतलब अदर वर्ल्ड्स जो होंगे वो क्या है, अदर वर्ल्ड्स जो होंगे बच्चों वो है सुपीरियर। अदर वर्ल्ड्स क्या है बच्चों, सुपीरियर, जस्ट अ सेकेंड, यस, अदर वर्ल्ड्स क्या है बच्चों, सुपीरियर, ठीक है। डायग्राम देखो कैसा बना रही हूं, और क्लियर हो जाएगा, ये देखो, ये देखो डायग्राम एनसीईआरटी का भी दिखाऊंगी। ये है ओवरी, और ओवरी बिल्कुल फ्यूज्ड है किससे, अंदर की तरफ धसी हुई है और थैलेमस की वॉल से फ्यूज हो चुकी है, ओवरी इट इज फ्यूज्ड विद थैलेमस वॉल, ठीक है। तो ओवरी एकदम अंदर की तरफ धसी हुई है, बाकी जो वॉल्स हैं, एंड्रोशियम हो गया, ये हो गया पेटल, और ये हो गया, ये हो गया हमारा कैलिक्स, दिस इज एंड्रोशियम, दिस इज पेटल वाला कोरोला एंड दिस इज कैलिक्स। देखो ओवरी नीचे की तरफ है ना, बाकी वॉल्स क्या है, बाकी वॉल्स सुपीरियर है। तो यहाँ पर ओवरी क्या है बच्चों, यहाँ पर ओवरी इज इंफीरियर। तो अगर फ्लावर ऐसा होता है जहां पर ओवरी इंफीरियर हो, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं एपीगाइनस। तो सिंबल क्या होगा, अब बाकी पोजीशंस, बाकी सारे वॉल्स की पोजीशन ऊपर है, गाइनोशियम की क्या है, नीचे, तो गाइनोशियम के ऊपर डैश है, ऊपर डैश का मतलब क्या दिखा रहा है, ये पोजिशन ऑफ अदर वॉल्स, डैश मीन्स पोजिशन ऑफ अदर वॉल्स। तो एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिखा हुआ है, लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज गुआवा, पम्पकिन, जो इसका एक गॉड का पार्ट है बच्चों, ठीक है, और हमारा गुआवा हो गया, पम्पकिन हो गया, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर के दो तरीके के फूल होते हैं बच्चों, एक डिस्क फ्लोरेट, एक रे फ्लोरेट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के तौर पर रे फ्लोरेट लिखती है, ठीक है, क्या लिखती है बच्चों, रे फ्लोरेट, यस।
ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिख लिया बच्चों, एक एग्जाम्पल और ऐड कर सकते हो, क्यूकम्बर विच इज देयर इन योर एनसीईआरटी, इनमें इन तरीके का फ्लावर्स होता है. ओके, नेक्स्ट बच्चों एक और फ्लावर की टर्मिनोलॉजीज बताती हूँ विच इज देयर इन द एनसीईआरटी. ये फ्लावर की जो टर्मिनोलॉजी है ये है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्स. अगर ब्रैक प्रेजेंट है, अगर ब्रैक प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्रैक्टिएट फ्लावर. और इसका सिंबल होता है BR, ठीक है. और अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर. क्या बोलते हैं बच्चों? ई ब्रैक्टिएट फ्लावर. और उसका सिंबल होता है EBR. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम पहले ब्रैक्ट बता दो. ब्रैक्ट क्या होता है बच्चों? व्हाट इज ब्रैक्ट? ब्रैक्ट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉट एक्चुअल लीफ बच्चों, दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट, प्रेजेंट एट बेस ऑफ पेडिसल. ठीक है, मान लो ये एक स्टेम है, ये स्टेम की अपनी मेन पत्ती है, ठीक है, ये अपनी मेन पत्ती है. अब यहां से फ्लावर निकल रही है, ठीक है, ये है फ्लावर, ठीक है, और ये फ्लावर की डंडी है. इस डंडी को क्या बोलते हैं? इस डंडी को बोलते हैं पेडिसल. तो पेडिसल के बेस पर ना, जहां पर पेडिसल है वहां पर ऐसे छोटे रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ब्रैक्स. देखने में लीफ है, ठीक है, बट प्लांट की अपनी मेन लीफ तो ये है, बट ये देखने में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इन्हीं लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्रैक्स. तो इनमें और इनमें फर्क क्या बच्चों? ये तो फ्री, ये लीफ जो है वो तो स्टेम पर लगी हुई है. ये ब्रैक्स जो लीफ लाइक होते हैं, ये फ्लावर की जो डंडी होती है ना उसके स्टॉक पर लगे होते हैं. तो जरूरी नहीं सबके पास हो, होगा तो ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाएंगे, नहीं होगा तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाएंगे. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. अच्छा एक और चीज, एक और चीज भी डायग्राम ऐड करके लाई हूँ यहाँ पर. जैसे आपको डायग्राम की क्या करते हैं ना, इनको गायब कर देंगे लेबलिंग्स हो, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फ्लावर का टाइप्स. ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई कर, तो हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी. देखो ओवरी की पोजीशन टॉप मोस्ट है, ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है, बाकी सारे वॉल्स उससे नीचे है. ठीक है, यहाँ पर देखो सारे के सारे वॉल्स रिम पर है, और थैलेमस का शेप देखो कैसा है, कप है. यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है ना सारे सेम लेवल्स पर. तो ये दोनों डायग्राम पेरिगाइनस का है बच्चों, दोनों डायग्राम, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर. तो ये दोनों डायग्राम से कोई भी पूछ ले पेरिगाइनस. यहाँ पर देखो थैलेमस का शेप गुंबद की तरह, डोम शेप. यहाँ पर देख लो ये अंदर वाली ओवरी है और ये थैलेमस की वॉल है. तो देखो ओवरी किस तरीके से इतनी अंदर की तरफ धसी हुई है कि थैलेमस की वॉल से फ्यूज कर गई है, बाकी सारे वॉल सबसे ऊपर निकल रहे हैं. तो यहाँ पर ओवरी इंफीरियर है, दैट मीन्स एपिगाइनस फ्लावर इट इज. ठीक है, आओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, दो तीन. तो यस, आपको मार्क करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ट्रू. क्यों मॉडिफाई हुई है? रिप्रोडक्शन के लिए. साइमोस में इनफ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, ट्रू. फ्लावर आर बॉर्न ऑन सक्सेसिव इंटरनोड्स, इंटरनोड्स पर नहीं होता बच्चों. इंटरनोड एक मैच्योर टिश्यू का पार्ट है, नोड पर होता है. तो इनकरेक्ट यही हो गया, ये नोड्स पर मिलते हैं ना कि इंटरनोड्स पर. ठीक है, व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर देन द फ्लावर इज ऑलवेज सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब अकेला. और ये कब होगा? जब शूट टिप किसमें कन्वर्ट हो जाए? फ्लावर में. बिल्कुल सही बात. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. द फोर वॉल्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन दी, ये सारे के सारे कहां पर अरेंज होते हैं बच्चों? थैलेमस पर, ये बताया था मैंने आपको. ठीक है, नेक्स्ट. द रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, रेडियल कहां पर मिल रहा है बच्चों? रेडियल मिल रहा है कैशिया, सबसे पहला एक्टिनो, एक्टिनो वाला, यस चिली. अच्छा चिली का एग्जाम्पल लिखा नहीं है ना, दतुरा और चिली ऐड करो बच्चों यहाँ पर. ठीक है, मस्टर्ड के बाद दतुरा और चिली ऐड करो. ठीक है, यस, तो चिली हो जाएगा उसका आंसर. नेक्स्ट है, द फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज जाइगोमॉर्फिक. तो जाइगोमॉर्फिक कौन सा था बच्चों? जाइगोमॉर्फिक था, अच्छा दतुरा एक्टिनो है, ठीक है, मस्टर्ड एक्टिनो था, ये एसिमेट्रिक था,
और बीन क्या था जाइगो बायलेटरल, तो यही होगा आंसर। तो यस बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, हम जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ के आना एंड स्टे ट्यून्ड, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।